गाइस मनोड़ो, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जो है वो अपने INIS के ऑफिस में आया था, अपने TMA जमा भी करना है, और काफ़ी मुझे फीस का बिला पड़ा था क्योंकि एक्स्ट्रा फीस चली गई थी मेरी, तो उसके ही सिलसिले में आया था मैं। और उसी के बीच मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया है 3 साल, अशरफ किंग, और वो अंदर है भी, TMA जमा कर रहा है। वो भी मेरी अचानक से उस पर नज़र पड़ी, और तो अभी मैं घर से आया था तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि स्नैचिंग का बहुत मामला होता है, तो सीधा यहीं आके वीडियो बना रहा हूँ। और चलिए अंदर देखते हैं क्या होता है। ये रहा मेरा दोस्त। वो तो गाइस, जो मेरी पहली वाली फ़ीस थी, एक तो मैंने 4 महीने पहले ही मतलब भरी थी, और फिर उससे पहले ही मार्च में मैंने पहली भी भर दी थी। 3 बार मेरी फ़ीस होती है, फ़ीस भर गई है। जो मुझे भरनी होती है वो कम से कम जो है वो सिर्फ 2 बार होती है एक साल के अंदर 2 बार फीस भरनी होती है। ओपन स्कूलिंग में ऐसा होता है कि 2 बार फीस भरनी होती है, लेकिन मैंने 3 बार भर दी थी गलती से। 1 बार मेरी जो है एक्स्ट्रा चली गई थी फीस, और वो कह रहे हैं कैंसिल हो गई, यानी कि मेरी जो 2100 रुपये है वो तो चले गए, कह रहे वो कैंसिल हो गए। अब उसका कोई चांस ही नहीं है मिलने का, उसका कोई चांस ही नहीं मिलने का। ये है अभी रद्दी में जाएंगे ऐसे। और मैं TC लेने आया था, अब वो TC का एड्रेस इन्होंने कहीं और दे दिया। झंझट ही है यार, इज्जत ही नहीं कोई। अभी मेरा एक दोस्त मिला था मुझे अंदर, वो 3 साल पहले ही मुझे आया था मेहमानदारी में, उसके मामू जो है वहाँ पर थे। लेकिन और मैं जैसे ही मैंने उससे आँखों से पहचान लिया, उसने ऐसे करके मास्क लगाया हुआ था, लेकिन मैंने उसकी आँखों से पहचान लिया उसे, और मैं सलाम दुआ हुई और फिर चला गया उसे, क्योंकि ज़्यादा जल्दी थी इसे चला गया हो। यहाँ पर थोड़ी देर रुका हुआ हूँ मैं, हवा भी अच्छी चल रही है, और अब मुझे भूख भूख भी लगी है, तो कुछ खाऊँगा फिर चलता हूँ। मेरी मीटिंग भी है आज, एक मुझे 2 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद फिर और काम देखते हैं। अब तो सीधा मैं पहले छोले कुलचे वाले को देखूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऐसा माहौल नहीं है। देखिए पीछे मेरे खाली सड़क है बस। तो गाइस मुझे लग गई थी भूख, और मैं अब जा रहा हूँ। 10 रुपये की कचौरी सी आती है, वो खा लूँगा, दाल वाली सब्ज़ी वाली, और उसे ही देख के और उससे ही थोड़ा पेट में हल्का करेंगे, फिर उसके बाद घर निकल जाएंगे हम। और घर निकलने के बाद फिर मज़ा खाना खा लेंगे सीधा। 10 रुपये। तो हमारे पास अभी ये है, और से थोड़ा पेट हल्का करते हैं। मैं बैठ गया हूँ रिक्शे में, और रिक्शे में अंदर फोन अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होता है कि स्नैचिंग का मैंने आपको बताया था। फिलहाल एक सवारी और का इंतज़ार हो रही है, वही अपना इंडिया वाला माहौल, जब तक हिचकिच के नहीं बैठेंगे ना, जब तक कुछ नहीं चल सकता, चाहे बस हो, चाहे सारा ऑटो हो, चाहे कार। चलते हैं भाई, तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। क्या सवारी नहीं मिलेगी? क्या मिलेगी? देख रहा हूँ क्या करूँ, ये लड़की जा भी रही, तुम्हारे मारे पता नहीं क्यों नहीं बैठ रही। बैठना तो मेरे वजह से नहीं बैठ रही हो, जिंदगी बेकार है हमारी। मेरे पास जो है वो अभी अशोक नगर तक सिर्फ मेरे पास 20 रुपये बचे हैं। मुझे पता भी नहीं था, मुझे ज़्यादा पैसे लेके चलना चाहिए था, लेकिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, सिर्फ 20 रुपये बच रहे हैं। और इस तरह शायद 20 रुपये ही लेते हैं, वरना फिर मुझे पेटीएम करने पड़ेंगे। पेटीएम लेते ही नहीं रिक्शा वाले। यहाँ पे कोई ऑटो दिखा नहीं। तो गाइस मीटिंग अटेंड करने के बाद मुझे हो चुके हैं 4 घंटे लगभग में। अब मैं मेरे दोस्त का फ़ोन आया था मिलने के लिए, वो आ रहा है, तो अब उसके पास जा रहा हूँ। फिलहाल तो मैंने खाना वाना तो खाया नहीं है, सुबह से नाश्ता करके घर से निकला था, लेकिन अब जा रहा हूँ सीधा मेरे दोस्त के पास, वहाँ पे पिज़्ज़ा वीज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा तो मैंने मीटिंग में भी खा लिया था एक,
मुझे बस पता 600 वाले में ये बढ़िया है भाई। अगर तुम्हें एक कैरेक्टर पसंद है तो ले लो, नहीं पसंद तो मिलेगा अभी अपने यूज़ कर रहे हैं। ये भी और वो पिज्जा बना ले, बन गया भाई बन गया। लड़की अच्छी लग रही है तो ले लो, नहीं ले लो क्योंकि